जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। नीति वचन 25 अध्याय का 4 वचन। चांदी में से मैल दूर करने पर सोनार के लिए एक पात्र हो जाता है। सुलेमान एक अच्छा बुद्धिमानी कार्य करने वाला था। जैसे सोनार चांदी से महलों को निकालने से एक अच्छा पात्र मिलता, वैसे ही बुद्धिमानी से वो अपने राजगति में जो भी गंदगी है उनको निकालने में वो निपुण था। इसलिए दाऊद ने उनसे कहा, तू बुद्धिमान के साथ कार्य करता मुझे मालूम है। राजगति में दो प्रकार का दुश्मन हो सकते हैं, एक है देश के बाहर, एक देश में अंदरे अंदर रह के कार्य कर सकते हैं। उनको पहचानना तकलीफ है। बाहर रहने वाला दुश्मनों को आराम से पहचान सकते हैं, लेकिन अंदरे अंदर जो दुश्मनी कार्य करता है उसको पहचानना बड़ी मुश्किल है। कहके दाऊद ने अपने बेटा को राजगति में रहने वाला कुछ महले के रूप में, गंदगी के रूप में रहने वाले उस दुश्मनों को पहचान करवाया। उस दुश्मनों का नाम ये रहा, सैनिक का नाम में योआब और साउल के खानदानी में आने वाला सिमाई। इसी दोनों दुश्मनों को दाऊद ने वहां पर पहचान करवाया। तो उसके बाद जब सुलेमान राजा बनकर राजगद्दी में बैठा, सबसे पहले काम में उस सिमाई को और योआब को दोनों को हटाने से दूसरा राजा में आप देख सकते हैं दाऊद के बाद सुलेमान का राजगति स्थिर रहा है। सुलेमान इस प्रकार वहां अपने राजमहल से, उस राजगति से गंदगी रूप में, उस दुश्मनों को रूप में रहने वाला दोनों को दूर करने से उसका राजगति स्थिर रह गया। हमारे जीवन में भी, हमारा आत्मिक के जीवन में रुकावट के कारण इस प्रकार सिमेई लोग या इस प्रकार का योआब के समान बहुत लोग हो सकते हैं। हमारा जीवन से इनको दूर करने की आवश्यकता है। हमारी आत्मिकता की बढ़ोतरी में जो भी रुकावट है आज परमेश्वर साफ करने के लिए चाहता है। आज परमेश्वर आपका जीवन को पवित्र करने के लिए चाहता है। इस प्रकार करने से जो भी आशीष की रुकावट था वो दूर होने से आपका जीवन में परमेश्वर जो आशीष रुका हुआ था आज परमेश्वर देने वाला है। 10 साल से जो आशीष रुका हुआ है उस आशीष को फिर परमेश्वर वापस देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।